हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। नॉर्मली मेरे सेशन जो हमेशा होते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बेस्ड होते हैं। ये सेशन है 12th मैथ्स के पेपर्स के ऊपर। आप सभी लोगों ने बोला था कि सर 12th मैथ्स में हमारे पास केमिस्ट्री पेपर के बाद 5 डेज मिलेंगे, उन 5 डेज में हम किस ढंग से प्रिपरेशन करें कि अच्छा स्कोर करें। इसके पहले भी मैंने कुछ सेशन लेके बताया था आपको, क्योंकि कई सारे स्टेट में ऑलरेडी 12th के पेपर्स हो चुके हैं और कुछ स्टेट के पेपर बचे हुए हैं और 12th CBSE का पेपर अभी बचा हुआ है। अब अगर आपका बचा हुआ पेपर है 12th बोर्ड का तो क्या करना है, वो ये सेशन आपका कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। पर CBSE के हिसाब से सेशन ले रहा हूँ मैं, तो 5 डेज में किस ढंग से हम मैथ्स की स्टडी करें कि एक तो कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर पाएं, साथ में हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाएं, यानी 100 out of 100। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैथ्स में आप 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं, एक वेल प्लान तरीके से अगर आपने स्टडी की तो। वेल प्लान तरीका, वेल प्लान अप्रोच, ये ध्यान रखते हुए चल रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस ढंग से हम 5 डेज में रिवीजन करें, क्योंकि 12th केमिस्ट्री पेपर के बाद आपको 5 डेज बीच में मिलेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 12th का डे भी मिलेगा आप। पर अभी उस डे को मैं बताऊंगा कि उसको भी कैसे यूज करना है। इन 5 डेज में एक अगर आपने स्मार्ट स्टडी की तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आप 100 out of 100 स्कोर कर सकें। और मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि 100 out of 100 स्कोर नहीं करना है, बल्कि ये सोच के चलना है कि हम अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, 100 स्कोर तो अपने आप आ जाएगा। यानी नंबर पर फोकस ना करते हुए क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करेंगे तो बेटर ऑप्शन होगा, जिस पर मैं आपको अभी वर्कआउट करवाऊंगा। क्योंकि अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे, इनफैक्ट मैं अभी आपको सेशन में एक दो टॉपिक का एक बेसिक रिविजन का प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस ढंग से रिविजन करें। एक दो पुराने पेपर्स के साथ मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि किस ढंग से क्वेश्चन में वेरिएशन आता है या किन किन चीज पे आपको क्या करना है। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है, जैसे अगर हम CBSE 12th मैथ्स की बात करें तो टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। अब इन 29 क्वेश्चंस का अगर आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि 29 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, 11 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के और 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 मार्क्स के, यानी 36 मार्क्स के। इस तरह से ओवरऑल स्कोर हुआ 100 मार्क्स। अब अगर यहां पर हम लॉजिकली समझें तो हमारे को सबसे ज्यादा जो स्कोर मिलेगा वो है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे अगर आपने सपोज टाइम ज्यादा दे दिया, जबकि स्ट्रिक्टली मेंशन होता है 1 मार्क्स में केवल आपको 1 स्टेप में ही आंसर देना है, 1 या मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो हो उतना ही स्टेप्स को देना है। अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो हार्डली 2, 3 एंड एट मोस्ट अगर मैं बोलूं तो 4 स्टेप में आंसर देना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हार्डली 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में होना चाहिए, यानी अगर आपने 8 मिनट में ये कर लिया हो जाएगा इजीली। मैं तो आपको हायर साइड देते हुए चलूंगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप पर क्वेश्चन अगर 3 मिनट देंगे तो 24 मिनट आप दे सकते हैं, राइट। अब बात आती है आपके पास कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए लगभग आपको मैं मान के चलूंगा कि अगर आप बहुत अच्छे से टाइम दें तो 5 मिनट के आसपास दे सकते हैं, यानी आप एक तरह से मान लीजिए कि आपने 60 मिनट दे दिया, राइट। अब आते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आप इजीली हर क्वेश्चन को अगर 10 मिनट भी दिया तो 60 मिनट, राइट। इस तरह से अगर हम ओवरऑल जोड़ें तो ये हुआ 2 hours 32 minutes, यानी 2 hours 32 minutes, 5 मिनट हम पेपर की स्कैनिंग के लिए निकाल लें तो 2 hours 40 minutes में अगर एक वेल प्लान तरीके से पेपर सॉल्व किया जाए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके पास यहाँ टाइम भी बच गया। ये बोनस टाइम है जो कहीं ना कहीं आपको जहां पर मिसिंग हो रही होंगी स्टेप्स वो आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 3 hours को अगर आप वेल मैनेज तरीके से करें, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने मुझे जब बताया कि सर पेपर में टाइम कम पड़ गया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। टाइम कम इसलिए पड़ता है क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते। हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्या आता है क्या नहीं आता। और मैं ये बिल्कुल 100% पेपर अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लो, जो अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कुछ की, जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 1 मिनट 1 मार्क्स वाले, एक्चुअल में वो 1 मिनट में होते हैं। आप देखिए मैंने 2 मिनट से डबल टाइम दिया। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने आप देखिए 3 मिनट दिया है, जबकि वो क्वेश्चन हार्डली आपको 2 मिनट में हो जाएगा, यानी लॉजिकली 60 मिनट पर 24 मिनट। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए देखिए आपको मैंने कितना मिनट दिया है, 60 मिनट दिया है, यानी
एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम, राइट? 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम है। अगर आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो 50 मिनट में 10 क्वेश्चन, 55 मिनट और तो भी 5 मिनट बच गया। और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, एवरी क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दिया है। अब आप इस 10 मिनट को ऐसा लकीर के फकीर नहीं बनो कि हर क्वेश्चन का 10 मिनट, आप हो सकता है किसी क्वेश्चन को 12 मिनट में करें तो अगले क्वेश्चन को 8 मिनट में कर सकते हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाए। वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि 5 मिनट मैंने बोला है, पर हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो और हो सकता है कोई क्वेश्चन 8 मिनट में हो। यानी एक तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका प्रॉपर होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, जैसे अभी फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा सरप्राइजिंगली था, ऐसा भी हो सकता है पेपर्स में, उस केस में भी आपको समझना है कि क्या करना है। दूसरा, इन 5 डेज में क्या तरीका हो हमारे पढ़ने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं अभी आपके साथ पेपर भी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन अप्रोच भी बताऊंगा। और याद रखिए, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट वो भी हैं जिन्होंने IIT, JEE, NDA या डिफरेंट विट सेट इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन की होगी, और एग्जाम के बाद हम वापस इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, और आपने अगर फाउंडेशन कोर्स से पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि किस ढंग से बेसिक कवर करना है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर आपकी स्पीड की वैल्यू होती है, पर जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन की वैल्यू होती है। अब हमारे पास मैथ्स में अगर हम टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स देखें तो 13 टॉपिक्स हैं, और इन 13 टॉपिक्स के लिए आप अभी सबसे पहले तो NCERT की बुक पे ही फोकस हो जाएं और कोई बुक को ना छुएं। इन 13 टॉपिक्स को कैसे करें? अब 5 डेज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि 5 डेज की जगह मैं इसको 4 डेज प्लान बताऊंगा, क्योंकि 5वें दिन क्या करना है वो बताऊंगा, और हर दिन आपको 3 टॉपिक्स को कवर करना है। तो 4 डेज में आपके 12 टॉपिक कवर होंगे, और एक जिस दिन आप 12th का केमिस्ट्री पेपर देके आएंगे एक टॉपिक उस दिन कवर कर लें। एक दिन जो आपको मिलेगा वो दिन आपके लिए होगा प्रीवियस ईयर के मॉडल एक्चुअल पेपर्स को सॉल्व करने का, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक। अब एक दिन में 3 टॉपिक कैसे कवर होंगे, क्या ये पॉसिबल है? जो सिलेबस हमने साल भर में करा 100% पॉसिबल है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं करना है। इन 13 टॉपिक्स की 13 मिसलिनियस एक्सरसाइज है। नंबर 1, उनको प्रॉपरली कवर करना है, उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिसिंग नहीं होना चाहिए। यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज को करने का मतलब हुआ कि आपने सब कर लिया। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए जो टॉपिक, जैसे किसी NCERT की बुक में कोई पर्टिकुलर टॉपिक 5 एक्सरसाइज में, तो मैं आपको बिल्कुल श्योरली बोल दूं कि पहली एक्सरसाइज मतलब 1 मार्क्स, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज मतलब 2 मार्क्स, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज मतलब 4 मार्क्स, और लास्ट एक्सरसाइज मतलब 6 मार्क्स। यानी आप एक चीज समझ लीजिए कि लेवल क्वेश्चन का जैसे जैसे बढ़ेगा, मार्क्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेल प्लान तरीके से पढ़ाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम पढ़ें कैसे, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक बताए थे, और जो टॉपिक में अक्सर कन्फ्यूजन होता है मैं उन्हीं टॉपिक की बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। अब इन टॉपिक्स को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे और इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला काम कि जब 12 तारीख को आप पेपर दे के आएंगे केमिस्ट्री का पेपर आपका आई होप अच्छा होगा, और जैसा भी हो उसके बाद सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली मार्क्स के लिए तैयार करना है, क्योंकि इस सेशन का मेरा एक ही पर्पज़ है कि आप फुल मार्क्स कैसे अचीव करें, यानी 100 out of 100 कैसे अचीव करें, यही एक टारगेट है। और इसीलिए मैं इस पेपर के साथ इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला आपसे कि ये डिफरेंट सेशन ले रहा हूँ मैं, आपका पर्पज़ एक ही है कि आप अपने स्कोर्स बोर्ड को कैसे बढ़ाएं। और आप भी समझ सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट स्किल के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो ये तो हुई मार्किंग स्कीम, ये हुआ हमारे पास 13 टॉपिक्स। इन 13 टॉपिक्स को ही कवर करना है, NCERT बुक को कवर करना है, NCERT की 13 एक्सरसाइज को कवर करना है, पर डे आपको 3 टॉपिक्स करना है। यानी फर्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट डे आप ये 4 टॉपिक कर सकते हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट, ये 4 हो गए इन डे 1। कैसे करेंगे अभी बताता हूं। डे 2 आप करेंगे कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, ये डे 2 का होगा, ये बड़े टॉपिक हैं इसलिए डे 2 में कवर करें। थर्ड डे आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर, दिस इज थर्ड डे टॉपिक। फोर्थ डे आप करेंगे 3 डायमेंशन, ये कम लगेगा टाइम, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस इज 4 डे। फिफ्थ डे आप इन्हीं टॉप, फिर फिफ्थ डे आप उठाएंगे 2018, 2017, 2018,
2016 के जो भी सेट आए हुए हैं सीबीएसई पेपर्स के, उन पेपर्स को और उनको इसी ऑर्डर में पूरा पूरा कंप्लीटली प्रॉपरली सॉल्व करेंगे विथ लाइक इस टाइम मैनेजमेंट के साथ। यानी एक प्रॉपर तरीके से जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। कहने में या सुनने में हो सकता है आपको लगे कि ये बात पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, पॉसिबल होने के साथ साथ इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जब आप 12th पेपर मैथ्स का देकर निकलेंगे तो आपको ये सेशन डेफिनेटली याद आएगा और आप इस बात को मानेंगे कि एक प्रॉपर टेक्निक की वजह से आपके स्कोर्स में कितना इंप्रूवमेंट आया। अब बात करते हैं, सपोज मैंने अभी आपको बोला कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसे अगर मैं मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट की बात करूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, तो मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिटरमिनेंट के एक्सपांशन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, यूज करना है प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज को यूज करना है मतलब रो और कॉलम प्रॉपर्टीज को यूज करना है। 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके लिए डायरेक्टली मिसलिनियस एक्सरसाइज उठाएं। मैट्राइसेस में आपसे ए इनवर्स पूछा जा सकता है, ए बी का इनवर्स पूछा जा सकता है, ए बी का इनवर्स वेरीफाई करवाया जा सकता है, बी इनवर्स ए इनवर्स डिपेंड ऑन मार्क्स। कई बार सीधा सीधा मैट्रिक्स देखे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो डिटरमिनेंट पूछा जाएगा। मैं आपको आइडिया देता हूं और फिर एक मैं आपको इनवर्स का रिवीजन करवाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये पेपर मेरे पास है, इसी की बात करें, तो अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो समझना है आपको। अब मैट्राइसिस में क्वेश्चन दिया है कि मैट्राइसिस ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, आपको पता है इसमें क्या करना है, 2, 1x माइनस 2, 2, -1। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो हम अलग ढंग से सोचते, पर ये सब्जेक्टिव है। सिंपल ए इंटू ए डब ट्रांसपोज करेंगे, यानी आपको इसमें ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है। स्टेप बाई स्टेप लिख के चलिए, इम्प्लाइज का साइन यूज करिए, जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो करते चलिए। अब आपको पता है कि ट्रांसपोज, अब यहाँ पर क्योंकि ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अलग से फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 1, 2, 2, 2, 1x माइनस 2, 2, -1 एंड दिस इक्वल टू 9i मतलब 100, इससे कंपेयर करके आपको x निकालना है। यानी आपको मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन ये है। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो मैंने आपको अभी बताया, यानी आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है। और याद रखिएगा हर टॉपिक, यानी पूरे ये 13 टॉपिक हैं तो 13 की 13 ही काम आने वाले हैं और 13 टॉपिक्स को यूज करते हुए चलना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 5a माइनस 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस सी माइनस 2b प्लस ए, इस तरह का एक दिया है 5b माइनस 2b प्लस सी माइनस 2c प्लस ए माइनस 2c प्लस बी एंड 5c इक्वल टू, ये प्रूव करना है यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। तो आपको मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट में एक चीज याद रखनी है, नंबर वन प्रॉपर्टीज का पूरा रिवीजन करना है, मैट्राइसेस की स्पेशली प्रॉपर्टी का पूरा रिवीजन करना है। और रिवीजन करते समय बुक ओपन ना करें, पहले बुक क्लोज करें, बंद करें, पहले प्रॉपर्टीज का रिवीजन करें और उसके बाद फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज को डायरेक्टली ओपन करें और उसको सॉल्व करें। अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज आपसे सॉल्व होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ जाएं कि आपका फंडामेंटल गोल है उस टॉपिक पे, आप पीछे जाएं 1st, 2nd, 3rd एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज करने का टाइम कम है तो ऐसे में एग्जांपल्स करिए, यानी आपको पर डे 3 से 4 टॉपिक कवर करना है तो आप एक टॉपिक को 4 आवर दे सकते हैं। तो 4 आवर बहुत बड़ा समय होता है, याद रखिए कम नहीं होता। इस 4 आवर में 2 आवर में मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व होगी, 1 आवर में पूरा टॉपिक का रिवीजन होगा और 1 आवर में जो क्वेश्चंस आए उन टॉपिक्स के वो आप देखेंगे। यानी 4-4 आवर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चलेंगे, बहुत ही वेल प्लान, बिल्कुल अपने आप को 5 दिन झोंक देना है आपको, देखो आपको कैसे रिजल्ट नहीं आता है, कैसे मार्क्स नहीं आते। कई बच्चों ने मुझे आप में से बोला है कि सर बहुत टेंशन हो रही है, साल भर 12th के हिसाब से नहीं पढ़ा है, IIT या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आपने पढ़ा है, बट सिलेबस तो 11th 12th का ही पढ़ा है, इसलिए मिसगाइड ना हो, अपने आप को मिसगाइड मत करें। क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा बोला जाता है कि हम आपको साल भर IIT के लिए पढ़ाएंगे और लास्ट के 15 दिन 12th के लिए पढ़ाएंगे। मैं आपको बोल दूं एक बात कि ये बात ही गलत है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि हम पूरे साल भर ही 12th के लिए पढ़ते हैं, बस उसको हो सकता है IIT पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा है, ना कि कोई अलग सिलेबस पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। इसलिए इस माइंड, सारा गेम माइंड का है, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग होकर जाना है, आप बहुत अच्छा पेपर देके निकलोगे, ये मेरा बिलीव। और मैंने देखा है कि एक बच्चा अगर प्रॉपर टेक्निक के साथ
लास्ट 3-4 डेज अच्छी प्रिपरेशन कर ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास 5 कंप्लीट डेज मिल रहे हैं। इन 5 डेज को आप यूनिक 5 डेज बना दीजिए पर डे। और मैंने ये भी नहीं बोला आपको 24 घंटे पढ़ना है, आपको हार्डली 12 से 16 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे की अच्छी नींद भी लेना है, खूब पानी पीना है, सोना भी है, और हो सका तो आधे घंटे वॉक भी करो, बाकी मोबाइल वगैरह इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आए। अब बात करता हूं मैं इनवर्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो इनवर्स का एक शॉर्ट रिविजन में आपको बताता हूं और इनवर्स के आए हुए क्वेश्चन की बात करता हूं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब भी आप करोगे क्वेश्चन वन मार्क्स में भी मिलेगा, 3 मार्क्स में मिलेगा, 5 मार्क्स में, कौन से मिलेंगे? सीधे फंक्शन के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। यानी सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है कि इनवर्स फंक्शन का जब पढ़ें तो पहले सारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखें। कैसे लिखें? तो वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डोमेन रियल नंबर रेंज -1 to +1। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बिना बुक खोले काम करना है, डोमेन रेंज, डोमेन में चेंज होती है आपको बताया था, रेंज -π/2 से +π/2। वाई इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन रियल रेंज -1 to +1। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स -1 to +1, रेंज इज 0 to π। तो सबसे पहला काम आप फॉर्मूले लिखें, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पूरा फॉर्मूले बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड होता है। दूसरी बात, हम फिर याद करें कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स है बट एक्स बिलोंग टू -π/2 to π/2। 1 मार्क्स का बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है कि इसी में से आ जाए, और आता ही है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? हो सकता है आपको दे दें कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, बाय मिस्टेक 2π/3 ना लिख दें, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ऑब्जेक्टिव में भी आती है, सब्जेक्टिव में भी। साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है, आप कुछ चीजें ध्यान रखो। मैंने आपको बोला आपने जो टफ टॉपिक बोले उन्हीं के मैं बेसिक रिविजन कुछ आइडिया दे रहा हूँ, वो कर रहे हैं हम, जिससे कि आप समझ पाएं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन हो तो -π/2 से छोटा, +π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट? अगर कॉस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है तो 0 से π के बीच में होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है तो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता था, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, केवल आप इतना लिखें π - π/3। साइड में एक फॉर्मूला जरूर बता दें, साइन π - θ इक्वल टू साइन थीटा होता है, एंड देन दिस इज साइन इनवर्स साइन π/3 एंड योर आंसर इज π/3, राइट? यानी आप इतने क्विकली इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। ये आपको करना है काम, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन कॉस इनवर्स का दे दें, कॉस इनवर्स कॉस मान लीजिए 4π/3, देन अगेन अगर कॉस के साथ यही क्वेश्चन होता तो ध्यान रखिएगा ये 2π/3 हो सकता था, क्योंकि कॉस का आउटपुट 0 से π के बीच में होता है, बट अगर 4π/3 है तो हम ऐसा ना लिख दें, राइट? हम ऐसा ना लिख दें। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि कॉस इनवर्स कॉस पाई, 2π- अगर मैं π/3 लिखूं तो क्या होगा, ये 3π/3 लिख दो, सॉरी 8, ये 4 है तो ये हो जाएगा कितना, 6 - 2, राइट? ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा मैंने, कॉस इनवर्स कॉस 2π - 2π/3। एलसीएम लेंगे तो 6 - 2 4π/3, कॉस 2π - θ जब बताएं क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे सकता हूं और वो आइडिया पे आपने इंप्लीमेंट किया तो आप अपने आप ही स्कोर कर लेंगे। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस 2π/3 एंड दिस इज 2π/3, ये हो सकता है। यानी आपको एक बेसिक फॉर्मूला अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू भी कहलाती है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इनवर्स की आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है एक 1 मार्क्स का, 10 inverse √3 - sec inverse - 2। अब याद रखिएगा कि जब भी कॉस इनवर्स माइनस थीटा की बात करते हैं, रिमेंबर π - cos inverse θ होता है। यही बात sec पे भी अप्लाई होती है, यानी sec इनवर्स माइनस थीटा इज ऑल्सो π - sec inverse θ, देयरफॉर 10 inverse √3 यानी π/3 माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे आप, π - sec inverse 2। अब sec इनवर्स 2 को आप ध्यान रखिए, एक्चुअल में ये cos इनवर्स 1/2 जैसा है, यस और नो? और cos 1/2 कब होता है, π/3 पे, यानी π/3 - π - ये +π/3। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आप वर्कआउट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वेक्टर का देखिए कितना सिंपल IJK आपसे पूछा है 1 मार्क्स में। यानी अगर आपने एक बार बेसिक प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा, इनवर्स फंक्शन का रिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स फंक्शन का रिवीजन, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर रिवीजन करने से डिफरेंशिएशन में भी हेल्प होगी। अब देखिए, जैसे सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 3 cos inverse x। अब आपने एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब मेथड आपको पता है सिंपल, कि x की जगह cos थीटा लेना है, तो ये हो गया cos इनवर्स। देखिए, 1 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है, जबकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए अलॉट किया हुआ है। यानी अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो आप कम से कम 30 मिनट पेपर में टाइम सेव कर सकते हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, फाउंडेशन क्लियर है। इसलिए मैं पूरे साल भर चलाता रहता हूँ, चाहे आप IIT का एग्जाम दें, चाहे 12th का दें, चाहे बिट सेट का दें, चाहे NDA का दें। सबसे पहला रूल है बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। बेस स्ट्रांग होगा तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, वहीं पर गड़बड़ होती है, बस ये चीज़ समझ के चलें। IIT में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले एडवांस की पढ़ाई हो, फिर मेंस की हो, फिर 12th की हो, ये तरीका ही गलत है। पर अभी आपके पास ये 5 डेज है, इन 5 डेज को आप अपने गोल्डन 5 डेज बनाइए और बहुत पॉजिटिव माइंड से जो कुछ पढ़ा है, पढ़ा तो सब कुछ है आपने, बस उसको एक बार रिकॉल करना है, उसको पढ़ने का तरीका, उसके कंसेप्ट बनाने के तरीके को बदलना है। अब जैसे आपको पता है ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया एंड दिस इज 3x, अब x की वैल्यू आपने रख दी तो 3 cos inverse x, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए, यही इनवर्स में एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन भी प्रूव करने को आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले 4 डेज में आपको हर टॉपिक का बेसिक थ्योरी रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करना है 1 आवर में, देन 2 आवर में मिसलेनियस से सॉल्व करना है, फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम आप पेपर आंसर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये काम आपको 4 दिन में करना है। 5वां दिन केवल आप अपने पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करने में दीजिए एट रैंडम, देखिए कैसे नहीं आते आपके 100 मार्क्स, बिल्कुल आएंगे। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है 10 inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। अब इनवर्स अच्छे से पढ़ा है, इसका पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक तरह से इनवर्स का क्वेश्चन है या डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन का, पर इनवर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, क्या करोगे आपको पता है। अब क्योंकि 12 का पेपर दे रहा, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते 10π/4 - x और -1 इसका आंसर हो जाता, बट ये काम हमें कॉम्पिटेटिव में करना है। यहाँ स्टेप लिखनी है, आप लिखेंगे एक लाइन डिवाइडिंग बाय cos x एंड दिस इज 1 - 10x upon 1 + 10x। अब और स्टेप्स बढ़ाना चाहें तो इसे 10π/4 - 10x लिख दें अपॉन 1 + 10π/4 10x लिख दें, राइट। देन इसे 10 inverse 10π/4 - x लिख दें और दिस इज π/4 - x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, यानी इनवर्स का एक अच्छा रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे ही इनडेफिनेट के क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, इनडेफिनेट के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको बहुत मिलेंगे, यानी एक फंक्शन और एक उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन। यानी अगर आपने प्रीवियस ईयर के चार केवल 18-17 के पेपर लो, उन पेपर के क्वेश्चंस को देख लोगे, आपको लगेगा आप बिल्कुल 100 स्कोर कर सकते हो। बस आपका कंसेप्ट, आपके पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत काम में आएंगी, क्योंकि अगर वो आपने रिवाइज नहीं की तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार फिर कीवर्ड बोलूं कि टाइम आपको बहुत मिलेगा, आप प्रॉपर वेल प्लान पॉजिटिव माइंड से जाओ, आप 100 स्कोर करने के बाद भी आधे घंटा सेव करोगे, नंबर 1। नंबर 2, हर टॉपिक को आप 4 दिन में आपको पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन में मैंने फिर बताया, पहले बुक बंद करो, फंक्शन है तो पहले डोमेन रेंज सारी लिख डालो, जो जो आता है पहले ब्लैंक पेज पे लिखो। एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, एडवांटेज ये है कि जो चीज़ आती है वो आपने लिख दी तो आप वो फिर नहीं पढ़ेंगे, आप फिर आप वो पढ़ेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड भूल रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, जब हमने मान लो ब्लैंक पेज पे लिखा ही नहीं कि हमें क्या आता है, तो हम वो भी पढ़ने लगते हैं जो हमें आता है। कुछ टेक्निक्स को ध्यान रखिए, तो आप पहले 1 घंटे में पहले 15 मिनट में जितना आता है ब्लैंक पेज पे लिखो, फिर बुक ओपन करके पूरे फॉर्मूले रिवाइज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज के फॉर्मूले और उनके केवल NCERT के एग्जाम्पल देखो, देन मिसलियस एक्सरसाइज को पूरी करो, एग्जाम्पल्स भी और पूरी पूरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो, ये सब प्रोसेस में आपको 4 to 5 आवर लगेगा एक टॉपिक कंप्लीट। देन और हर 2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लें, ब्रेक में जो कुछ पढ़ा है मेमोराइज करें, फिर 5 आवर, फिर नेक्स्ट, जैसे मैट्रिक डिटरमिनेंट में आपको बताऊं 4 आवर में ही हो जाएगा दोनों टॉपिक, फिर अगले टॉपिक को 4 आवर दें, फिर अगले टॉपिक को। रात को सोने से पहले बहुत ही पॉजिटिव माइंड से खाना खा के वॉक करो, पूरी पढ़ाई हो चुकी है एक ब्लैंक पेज पे, जितना दोपहर से लेकर रात तक पढ़ा है वो रिवाइज करो, एक ब्लैंक पेज पे लिखो फिर से, ये बार बार करिए। और कहीं मत सोचिए कि मैं भूल जाता हूँ, ये वो सब फालतू की चीज़ें छोड़ दो, मैंने साल भर ये किया होता तो अच्छा होता,
मैंने ऐसा किया होता, ये सब 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 कुछ भूल जाऊं, जो निकल गया उसको नहीं, जो है प्रेजेंट में उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए इमीडिएटली आपको यही एक्शन लेना है कि नेक्स्ट 5 डेज इज आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। आप फिर जैसे 12th के पेपर होंगे हम फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बात करेंगे, पर अभी ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सोचना है, ना IIT में फर्स्ट जो 19 का हुआ था उसमें क्या स्कोर आया, सब भूल जाइए। हर टॉपिक को रिवाइज करिए। तो इस तरह से फिर आप आइए मिसलिनियस एक्सरसाइज को, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उसमें आप 2-3 आवर दीजिए। फिर अगला टॉपिक, पहले सारे टॉपिक के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, देन उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज। ये 4 दिन प्रोसेस आपको कंप्लीटली करना है, और फिर लास्ट 5th डे जो होगा वो आपको पुराने पेपर सॉल्व करना है, और ये जो 13 टॉपिक्स हैं इनका एक बार सारे टॉपिक के क्विक फॉर्मूला रिवीजन करने हैं ब्लैंक पेज पे। और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिए। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप 100 out of 100 ही स्कोर करेंगे। और फिर मैं बोलूँगा, नंबर को लेके ना जाएं, कोई माइंड में थॉट लेके ना जाएं, ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा, मेरे को कौन सा सेट मिलेगा, मेरे दोस्त को कहीं ईजी मिल गया, सारी बातें बोल के एक पॉजिटिव माइंड से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल टाइम पे पहुंचिए, पानी अपने साथ रखिए, जितना आप, क्योंकि समर आ गया है, जितना पानी पियेंगे उतना आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। फिट रहना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी नींद लीजिए, वो भी एक बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।